मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का नए ब्लॉग में स्वागत है। अभी मैं जयपुर में हूँ और ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ट्रैफिक चल रही है, MI रोड है, MI रोड पे हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बहुत ही शानदार आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज हम गलता गेट तक जाने वाले हैं। गलता गेट एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थान, जहाँ तक हम जाएंगे और देखेंगे समझेंगे। तो वीडियो बने रहे, आपको मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये आप देखें सामने MI रोड, जिस पे हम आगे बढ़ रहे हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आइए चलते हैं आगे। ये यहाँ का फेमस पांच बत्ती, और ये पांच बत्ती के पास राज मंदिर सिनेमा, यहाँ का फेमस सिनेमा। और ये यहाँ की MI रोड की ट्रैफिक, और यहाँ इस रोड पे मैन बड़े बड़े शोरूम आपको देखने को मिलते हैं। ये अजमेरी गेट सिग्नल, और ये इधर आप देख पा रहे हैं अजमेरी गेट। ये सांगानेरी गेट और सांगानेरी चौराहा। और ये आपकी स्क्रीन पे है घाट गेट दरवाजा। ये गुरुद्वारे के पास का सिग्नल ट्रांसपोर्ट नगर का, और ये सामने गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा, और इधर ये बस जा रही है, इधर आगे ट्रांसपोर्ट ना हो गया। और आगे चलते हैं। ये गलता जी का रास्ता, घाट की गुणी का रास्ता, सिसोदिया रानी का बाग का रास्ता है। नीचे अंडरपास है, अंडरपास से नीचे चलते हैं। ये नीचे गुणी का रास्ता, और आगे चलते हैं। चलिए, ये घाट गेट का पूरा रास्ता, ये ऊपर सामने पहाड़ी, और ये इधर भी मंदिर, फतेह कुंज बिहारी जी का मंदिर। आइए और इस रास्ते पे आगे चलते हैं। ये शराफ की हवेली से यहाँ पर ये दो रास्ते निकल रहे हैं, हमें इस रास्ते पे जाना है जिस पर ये स्कूटी जा रही है, बाइक जा रही है। और ये इधर जो रास्ता जा रहा है, ये आगे फिर घाट की गुणी और आगे आगरा रोड को मिलता है। तो हमें इस रोड पे यहाँ पे इधर घूमना है, जिधर ये बाबा जी अभी मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं। यहाँ से भी दो रास्ते हैं, हमें इस रास्ते पे जाना है। इधर ये रास्ता एक जा रहा है, और ये एक रास्ता जा रहा है। इधर ये गलता जी का बोर्ड लग रहा है, इस पर आगे बढ़ते हैं। और ये यहाँ पर घाट के बालाजी मंदिर है, ये देखिए आप पूरा यहाँ का व्यू। और आगे चलते हैं। ये पूरा रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ, और आगे चलते हैं। मोर की आवाज़ आ रही होगी पीछे, ये देखिए। थोड़ा दूर है ये, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये चार पांच मोर हैं, आपको देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जो आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी दूर है, छोटा स्क्रीन करते हैं, दिखता नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा गलता जी के गेट रास्ते में ही हमें मिलते हैं इस जंगल में। चलिए और आगे चलते हैं।
ये पूरा रास्ता है गलता जी का, और आगे चलते हैं। ये गलता जी का रास्ता है, और ये इधर विपासना केंद्र धर्मस्थली जो जयपुर का है उसका लोकेशन है, आप देख लें। इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, यहाँ अरविंद केजरीवाल भी आए थे पिछले दिन, और यहाँ पर शिविर चलते रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं गलता जी की तरफ। ये हम गलता जी पहुँच गए हैं, तो गायों को यहाँ पे देखिए गुड़ डाला जाता है। जो भी लोग यहाँ पे आते हैं वो गायों को गुड़ डालते हैं, और ये गुड़ खा खा के गाय जा रही है। और ये सामने आगे गलता जी का मंदिर है, चलिए आगे चलते हैं। ये यहाँ पे सीताराम जी का मंदिर है, आप देखिए। और ये यहाँ का पूरा व्यू है, और इधर श्री गोपाल जी का मंदिर भी है ऊपर, ये देखें मंदिर श्री ज्ञान गोपाल जी। और ये पंडित जी अंदर है, ये यहाँ का पूरा व्यू है पहाड़ों के अंदर पूरा, ये गलता जी। चलिए आगे चलते हैं। ये यहाँ से व्यू आप देखें बहुत ही शानदार, और यहाँ पर ये बंदर और लंगूर बहुत सारे हैं, ये देखिए तो ये बैठा है यहाँ पे। आइए और ऊपर चलते हैं इधर सीढ़ियों से। ये कुंड में स्नान कर सकते हैं, ये देखिए लोग कर रहे हैं। सबने जंप लगा दिया, एक रह गया, ये भी लगाएगा उसे। ये देखो ये लगा दिया, ये इस तरह से ये पूरा हिसाब किताब। ये यहाँ औरतें भी नहाती हैं, और ये यहाँ का पूरा व्यू। आइए और ऊपर चलते हैं इधर की तरफ। पर यहाँ बंद कर रखा है, ये देखिए ताला लगा रखा है। ये यहाँ से आप पूरा व्यू देखिए, इसका सुंदर नज़ारा आप देख पा रहे हैं। ये बंद मेरे पास मंकी आ गया, तो मेरा आवाज़ निकल गया, डर लगता है, एकदम से आया ऊपर से कूद गया, अभी जा रहा है। देखो डरा दिया इसने मेरे को, वैसे तो काटते नहीं है ये, लेकिन इनका भरोसा। हाँ लेकिन मेरे को डर लग गया एकदम। ये देखो पूरे बंदरों का ही राज है यहाँ पे, देखिए एक एक करके निकल के आ रही है, ये देखिए ऊपर से बहुत सारे हैं। ओ हो देखो एक एक करके सब आ रहे हैं, ये देखो ये ऊपर के कुंड में नहा के आए हैं, देखो ये नहा के आए, ये गीला है, ये देखिए। दोस्तों आपने ये पूरा वीडियो देखा गलता जी का, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा एंजॉय किया होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस शानदार व्यू के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।